हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू द चैनल ऑफ अन अकेडमी। एस योर स्कूल एग्जाम्स विद अन अकेडमी। क्रैक योर स्कूल एग्जाम्स विद अन अकेडमी। अन अकेडमी के साथ अपने सारे स्कूल के एग्जाम्स क्रैक करिए और अन अकेडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लीजिए और फ्लैट 10% डिस्काउंट पाइए मेरा कोड यूज़ करके NB01। वेलकम टू माई क्लास एवरीवन। मेरा नाम है नेहा बंसल। मैंने BSc किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, BEd NTT एंड PTT, और 6 ईयर्स का एक्सपीरियंस है मुझे। आप जैसे बहुत सारे बच्चों को मैंने पढ़ाया हुआ है। आइए स्टार्ट करते हैं साइंस विद नेहा बंसल। बेटा, हमने अभी फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था, अब हम क्लास 6 के सेकेंड चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, दैट इज कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड। फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि फूड एंड इट्स सोर्सेस, फूड खाना क्या होता है और खाना कहाँ से आता है हमें, ठीक है। सेकेंड चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड, फूड के अंदर ऐसा क्या होता है, इससे क्या न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनसे हमें एनर्जी मिलती है या और भी बहुत सारी चीज़ें हमें फूड से अवेलेबल होती है। तो फूड के अंदर क्या क्या कॉम्पोनेंट्स होते हैं, खाने के अंदर क्या क्या कॉम्पोनेंट्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, अब इस चैप्टर में हम वो समझेंगे, राइट। दीज आर ऑल वेराइटी ऑफ वेज एंड नॉन वेज फूड्स। ओके, इस चैप्टर में हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं? कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड, व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी, बैलेंस्ड डाइट एंड डेफिशिएंसी डिजीजेस, इन सब टॉपिक्स को हम डिटेल में स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। फर्स्ट इज कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड। बेटा, कॉम्पोनेंट्स क्या होता है? द फूड दैट वी ईट आर मेड अप ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट्स। जो भी खाना हम खाते हैं, ये मैंने अभी आपको फर्स्ट चैप्टर में भी बताया था कि जो भी खाना हम खाते हैं वो एक या एक से ज़्यादा या दो से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स मटेरियल्स से बना हुआ होता है। अकेले एक खाना एक चीज़ से नहीं बनता है। दीज इंग्रेडिएंट्स कंटेन्स सम कॉम्पोनेंट्स दैट आर नीडेड बाय आर बॉडी, और इन इंग्रेडिएंट्स में ऐसे कुछ कॉम्पोनेंट्स होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी होती है, जो हमारी बॉडी की नीड होती हैं, वो हमारी बॉडी को एनर्जी और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसे प्रोवाइड करती है। सो दीज कॉम्पोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इन सब कॉम्पोनेंट्स को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स, कि हमारे फूड में कितने न्यूट्रिएंट्स हैं। उन न्यूट्रिएंट्स की स्टडी अब हम आगे करेंगे कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं और वो कितने तरह के होते हैं। नेक्स्ट इज न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द फूड। अब न्यूट्रिएंट्स तो हमने जान लिया कि फूड के अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब वो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं, किस किस तरह के होते हैं? देयर आर 7 न्यूट्रिएंट्स, 5, 6, 7, देयर आर 7 न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द फूड। 7 तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं बेटा जो हमारे खाने के अंदर होते हैं। फर्स्ट इज कार्बोहाइड्रेट्स, सेकेंड इज फैट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, देन वाटर एंड देन फाइबर। दीज आर ऑल 7 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स दैट आर प्रेजेंट इन आवर फूड। कार्बोहाइड्रेट्स, नाउ फर्स्ट न्यूट्रिएंट इज कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स आर एनर्जी गिविंग कंपाउंड्स। कार्बोहाइड्रेट्स बेटा क्या होते हैं? जिस भी फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होता है वो एनर्जी देता है हमें सबसे ज़्यादा। ये क्या होते हैं? एनर्जी गिविंग कंपाउंड्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। द बल्क ऑफ आर फूड कंसिस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ज़्यादातर फूड आइटम्स, जितनी भी फूड आइटम्स होती हैं उसमें से मैक्सिमम फूड आइटम्स में कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो प्रेजेंट होता है। कम या ज़्यादा वो अलग चीज़ होती है, बट कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो मैक्सिमम फूड आइटम्स में प्रेजेंट होता है। द टू टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर, दो तरह के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं बेटा, शुगर एंड स्टार्च, राइट। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? एनर्जी गिविंग कंपाउंड्स। जिन कंपाउंड से, जिन न्यूट्रिएंट से हमें ताकत मिलती है वो क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। सो फूड्स दैट आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स, कौन कौन से ऐसे फूड्स होते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स की जो क्वांटिटी होती है, जो मात्रा होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है। जैसे पोटैटो, आलू, आलू में कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ब्रेड, टेबल शुगर, हनी, राइस, व्हीट, मिल्क, जैगरी,
मैंगो, बनाना, पपाया। पोटैटो में बेटा स्टार्च बहुत होता है, हमने अभी देखा ना टू टाइप्स के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, वन इज शुगर एंड अदर वन इज स्टार्च। स्टार्च की स्टार्च पोटैटो में बहुत ज़्यादा होता है। दीज आर सम ऑफ द फूड आइटम्स दैट आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स, राइट? ब्रेड्स, राइस, व्हीट, ग्रेन्स, ओके। नेक्स्ट इज फैट्स। फैट्स आर ऑल्सो एनर्जी गिविंग कंपाउंड्स। फैट्स भी जो है वो एनर्जी गिविंग कंपाउंड्स ही होते हैं, फैट्स भी एनर्जी देते हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट से वो एनर्जी बहुत ज़्यादा देते हैं। कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी काफ़ी मिलती है, बट अगर हम फैट सोर्सेज वाले, न्यूट्रिएंट्स वाले अगर हम फूड का इंटेक करते हैं तो हमें कार्बोहाइड्रेट्स की तो एनर्जी मिलती ही है, बाकी और फैट्स में कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा एनर्जी गिविंग कंपाउंड्स होते हैं, राइट? जैसे फिश, चीज, मिल्क, बटर, एवोकेडो, एग, वॉलनट्स, इन सब में फैट्स प्रेजेंट होता है। तो ये बहुत ज़्यादा एनर्जी हमें प्रोवाइड करते हैं, कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा एनर्जी फैट्स प्रोवाइड करते हैं। फूड्स रिच इन फैट, मिल्क प्रोडक्ट्स सच एज बटर, घी, चीज़, जितने भी मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं उन सब में फैट्स प्रेजेंट होता है। मीट, वेजिटेबल ऑयल्स, जितने भी हमारे वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं जैसे ग्राउंडनट ऑयल, मूंगफली का तेल, कोकोनट ऑयल, राइट, इन सब में फैट्स प्रेजेंट होता है। ड्राई फ्रूट्स लाइक कैशियो, नट्स, आलमंड्स, ये सब क्या होते हैं, इन सब में भी फैट्स प्रेजेंट होता है, जैसे वॉलनट, अखरोट जिसे हम कहते हैं, कैशियो मतलब काजू, आलमंड मतलब बादाम, इन सब में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में फैट्स प्रेजेंट होता है और ये बहुत जल्दी और ज़्यादा एनर्जी हमें प्रोवाइड करते हैं। प्रोटीन्स, फूड्स रिच इन प्रोटीन्स आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। प्रोटीन्स क्या होते हैं बेटा, जो फूड्स, जो खाना जिसमें प्रोटीन्स की जो मात्रा है, जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है, वो उन फूड्स को हम क्या कहते हैं, प्रोटीन रिच फूड्स, ओके। और वो क्या होते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड्स होते हैं। ऐसे नहीं हमारी बॉडी बन जाएगी अगर हम प्रोटीन्स वाले फूड खाने लग जाएंगे, नहीं, बट ये क्या है, हमारी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं, हमारी बॉडी, हमारी बोन्स, हमारी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं, ये प्रोटीन्स होते हैं। जैसे आपने कभी देखा होगा जो लोग जिमिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, जिम में जाते हैं, तो उनको जो जिम इंस्ट्रक्टर्स होते हैं वो लोग प्रोटीन शेक और ये सब बोलते हैं ना लेने के लिए, तो वो लोग प्रोटीन शेक पीते हैं, उससे क्या होता है उनकी बॉडी बिल्ड होती है, उनकी मसल्स बिल्ड होती हैं, राइट? प्रोटीन्स आर रिक्वायर्ड बाय द बॉडी फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर्स ऑफ बॉडी टिश्यू। जो हमारे बॉडी टिश्यूज़ होते हैं उनकी ग्रोथ, उनको ग्रोथ करने के लिए, उनकी ग्रो कर, उनको और ज़्यादा उनकी अच्छी ग्रोथ हो हमारे बॉडी टिश्यूज़ की, और रिपेयरिंग हो, जैसे बेटा बॉडी टिश्यूज़ की अगर कुछ उनमें प्रॉब्लम आ जाती है या कुछ भी हो जाता है, तो उनको अगर हम प्रोटीन रिच डाइट देते हैं तो उनकी बॉडी टिश्यूज़ जो है वो बहुत जल्दी रैपिडली रिपेयर होते हैं। टू रेगुलेट बॉडी फंक्शंस, बॉडी फंक्शंस को अच्छे से चलाने के लिए प्रोटीन्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। एंड टू प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शंस, इन्फेक्शन से भी प्रोटीन्स हमें बचाता है। और बच्चों, आप सबको तो प्रोटीन्स ज़रूर लेना चाहिए, आप सब एक ग्रोइंग एज में है और ग्रोइंग एज के बच्चों के लिए उनके टिश्यूज़ को भी ज़्यादा बिल्ड करना होता है और मसल्स को भी स्ट्रॉन्ग करना होता है, तो उसके लिए आप लोगों को प्रोटीन रिच डाइट ज़रूर लेनी चाहिए। इसके लिए ये नहीं कि आप प्रोटीन शेक पे नहीं लग जाओ, नहीं, वो आप लोगों के लिए नहीं होता है, बच्चों के लिए प्रोटीन शेक्स नहीं होते हैं, आपको नेचुरली प्रोटीन डाइट लेनी चाहिए। अभी मैं बताऊंगी कि नेचुरली प्रोटीन डाइट कौन सी होती है, बट आप लोगों को, सबको, सब बच्चों को, ग्रोइंग एज है आप लोगों की और आप लोगों को प्रोटीन रिच डाइट ज़रूर लेनी चाहिए। प्रोटीन्स फ्रॉम प्लांट सोर्सेज, अब प्लांट से हमें प्रोटीन्स कैसे मिलता है, पल्सेस लाइक, जितनी भी दालें होती हैं ना बेटा उनमें प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा होता है। दालें आप लोगों को ज़रूर खानी चाहिए, डेली आपको वन बोल, ज़्यादा नहीं तो वन बोल दाल आपको ज़रूर अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए, राइट? ग्रीन ग्राम, पीस, सोयाबीन ग्राम, सीरियल्स लाइक व्हीट, कॉर्न, इस टाइप के सीरियल्स भी, इन सब में भी प्रोटीन बहुत होता है। ये सब बेटा प्रोटीन रिच डाइट होती हैं, दालें, भुट्टा जो जिसे हम मक्का भी कहते हैं, भुट्टा, स्वीट कॉर्न जिसे कहते हैं, व्हीट, गेहूँ, ग्रेन्स, इन सब में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। तो ये आप लोगों को डेली अपनी डाइट में इंक्लूड करना ज़रूरी है ताकि आपके अंदर प्रोटीन्स की कमी ना हो। प्रोटीन्स फ्रॉम एनिमल सोर्सेज, अब एनिमल से प्रोटीन हमें किस तरह से मिलता है, मिल्क, मिल्क
बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूध आप लोगों को डेली पीना चाहिए, दूध के लिए मना नहीं करना चाहिए। और डेली क्यों, दो बार पीना चाहिए। अगर आप लोग दो बार पी सकते हैं तो दो बार ज़रूर पीजिए, सुबह भी पीजिए शाम को भी पीजिए। नहीं तो अगर दो बार नहीं पी सकते तो एक बार तो अगर आपको दूध ज़रूर पीना चाहिए, डेली पीना चाहिए, बिकॉज आप लोग ग्रोइंग एज के बच्चे हो और दूध आपके लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल प्रोडक्ट है, ठीक है। और प्रोटीन रिच डाइट होती है, दूध में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। एग्स, अगर आप लोग एग्स खाते हैं तो एग्स भी खा सकते हैं। पनीर, चीज़, फिश, मीट, इस टाइप की चीज़ें, ये सब चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा रिच होती हैं प्रोटीन्स में। विटामिंस, अब बेटा विटामिंस क्या होते हैं? विटामिंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आर बॉडी। विटामिंस भी बहुत ज़रूरी है हमारी बॉडी जो है वो प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर सके, अच्छे से फंक्शनिंग कर सके, उसके लिए विटामिंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। दीज आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल क्वान्टिटीज़, ये बहुत ही कम क्वान्टिटी में रिक्वायर्ड होते हैं। जैसे प्रोटीन्स हमारी बॉडी को ज़्यादा चाहिए होते हैं, फैट्स कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा चाहिए होते हैं, बट विटामिंस अगर हमें थोड़े भी मिल जाए ना तो भी वो सफिशियंट होते हैं और अपना काम वो प्रॉपरली कर लेते हैं, ओके, इन कंपेरिजन टू कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स, राइट। प्रोटेक्टिव फूड्स, विटामिंस आर नोन एज प्रोटेक्टिव फूड। विटामिंस जो क्या कहलाते हैं, प्रोटेक्टिव फूड, वो हमें बीमारियों से बचाते हैं, प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी फ्रॉम डिजीजेस, बीमारियों से हमें प्रोटीन्स वो सॉरी विटामिंस बचाते हैं, एंड हेल्प इन कीपिंग आवर बोन्स, टीथ, गम्स, आइज हेल्दी। और वो हमें किस चीज़ में मदद करते हैं, हमारी बोन्स हड्डियाँ मजबूत करने के लिए, हमारी आइज अच्छी रखने के लिए, हमारे टीथ हमारे गम्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और हमारी आइज को हेल्दी रखने के लिए विटामिंस हेल्प करते हैं। हर एक विटामिन का अलग अलग रोल होता है। विटामिंस भी बेटा बहुत तरह के होते हैं। टाइप्स ऑफ विटामिंस, फर्स्ट इज विटामिन ए। विटामिन ए क्या करता है, आपकी आइज और आपकी स्किन को, आपकी आंखों को और आपकी स्किन को हेल्दी रखता है, अच्छा रखता है। अगर हम विटामिन ए रिच डाइट लेते हैं तो हमारी आंखें और हमारी स्किन दोनों ही बहुत अच्छी रहती हैं, राइट। विटामिन बी हेल्प्स इन रिलीजिंग एनर्जी एंड फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। विटामिन बी क्या करता है, एनर्जी रिलीज करता है, एनर्जी देता है एंड फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। आरबीसी क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स, ये रेड ब्लड सेल्स को फॉर्म करता है विटामिन बी, ओके। विटामिन सी कीप्स टीथ, गम्स एंड बोन्स हेल्दी। विटामिन सी किस काम आता है बेटा, हमारे जो गम्स हैं, जो हमारे गम्स को, मसूड़े और टीथ, दांतों को और बोन्स, हमारी हड्डियों को मजबूत रखता है ये। विटामिन डी मेक्स आवर बोन एंड टीथ स्ट्रॉन्ग। विटामिन डी का क्या काम होता है, हमारी हड्डियाँ और टीथ, हमारे दांतों को मजबूत रखता है ये। विटामिन डी मेक्स, विटामिन ई कीप्स आवर बॉडी एंड स्किन हेल्दी। हमारी बॉडी को और हमारी स्किन को विटामिन ई जो है वो हेल्दी रखता है। विटामिन के हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। बेटा जो ब्लड क्लॉट्स हो जाते हैं ना, जैसे खून ना जम जाता है, ठीक है, तो उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग होती है, उसके लिए विटामिन के ज़रूरी होता है। सोर्सेज ऑफ विटामिंस, अब विटामिन ए, विटामिंस की मैंने आपको बताया कितने टाइप्स के विटामिंस होते हैं, अब वो विटामिंस किस किस चीज़ में प्रेजेंट होते हैं, आपको कौन कौन से विटामिंस के लिए कौन कौन सी चीज़ें खानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये हम देखते हैं। विटामिन ए किस में सबसे ज़्यादा होता है, कैरेट, पपाया, फिश ऑयल एट्सेट्रा, इन सब में विटामिन ए होता है बहुत ज़्यादा। विटामिन बी पोटैटोज, मीट, मिल्क एट्सेट्रा। विटामिन सी जो खट्टी चीज़ें होती हैं ना बेटा, उनमें विटामिन सी होता है, जैसे लेमन, ऑरेंजेस, गुआवा, आमला, इन सब में विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है। जितनी भी खट्टी चीज़ें होती हैं ना हमारी फूड आइटम्स, उन सब में विटामिन सी होता है। विटामिन डी, बेटा विटामिन डी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज वो हमारी बोन्स को हेल्दी रखता है। और सबसे ज़्यादा विटामिन डी हमें किससे मिलता है, नेचुरल सोर्स है ये विटामिन डी का, वो है सनलाइट, सन से जो सनलाइट आती है ना, उसमें सबसे ज़्यादा विटामिन डी होता है। इसीलिए थोड़ी देर धूप में ज़रूर निकलना चाहिए, लेकिन अभी कोविड है, अभी आप लोग मत निकलिए। अगर आपके घर में धूप आती है तो थोड़ी देर आप धूप में ज़रूर बैठ सकते हैं, ताकि आपके अंदर विटामिन डी की कमी ना हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चे। और पनीर एंड एट्सेट्रा। विटामिन ई पीज, मिल्क, एग्स,
nuts etc. and vitamin K, spinach, cabbage and tomatoes. बेटा इसीलिए मैंने बोला था कि आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लाइक स्पिनेक कैबेज ये सब आपको ज़रूर खानी चाहिए ताकि आपको विटामिन ए की विटामिन के की कमी ना हो. मिनरल्स, नेक्स्ट इज मिनरल्स. मिनरल्स आर आल्सो प्रोटेक्टिव फूड्स. मिनरल्स भी प्रोटेक्टिव फूड्स होते हैं. दे हेल्प आवर बॉडी टू रिमेन हेल्दी. ये भी हमारी बॉडी को हेल्दी रखने में मदद करते हैं. दे आर आल्सो रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वान्टिटीज लाइक विटामिन्स. विटामिन्स की तरह मिनरल्स भी बहुत कम क्वांटिटी में ज़रूरत होती है लेकिन होती ज़रूर है बेटा. काइंड्स ऑफ मिनरल्स, देयर आर सम इम्पॉर्टेंट काइंड्स ऑफ मिनरल्स दैट आर कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, फॉस्फरस, आयरन एंड आयोडीन. ये सब मिनरल्स हैं जो हमारी बॉडी की नीड होते हैं. कम कम चाहिए बट चाहिए. अगर इनकी डिफिशियंसी हो जाती है तो अलग अलग प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं. कैल्शियम एंड फॉस्फोरस आर एसेंशियल फॉर द प्रॉपर फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ. बेटा कभी आपने सुना भी होगा, मम्मी कहती है कैल्शियम खाओ, ठीक है ना, बोन्स अच्छी होंगी, कैल्शियम ज़रूरी है, कैल्शियम ज़रूरी है. तो कैल्शियम के लिए क्या खाना चाहिए? दूध पियो, एग्स खाओ, चीज़ खाओ, पल्सेस खाओ. इन सब में कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है और फॉस्फोरस भी होता है, ठीक है ना. और ये दोनों हमारी प्रॉपर फॉर्मेशन किस चीज़ के लिए काम आते हैं? बोन्स और टीथ को स्ट्रॉन्ग और हेल्दी रखने के लिए काम आते हैं. ओके, आयरन. आयरन इज एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हेमोग्लोबिन. हेमोग्लोबिन क्या होता है बेटा? जो हमारे ब्लड के अंदर होता है. अगर हेमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो भी हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती है. तो हेमोग्लोबिन की कमी नहीं होनी चाहिए. तो आयरन किस चीज़ के लिए ज़रूरी है? वो आयरन, अगर आयरन हमारी बॉडी में, जितना हमारी बॉडी को ज़रूरत है उतना अगर आयरन हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो हमारी हेमोग्लोबिन की जो मात्रा है, जो क्वांटिटी है, वो फॉर्मेशन जो है वो नॉर्मल रहती है. जितनी हमें नीड होती है उतनी हेमोग्लोबिन हमारी बॉडी बनाती रहती है, राइट. उसके लिए क्या खाना ज़रूरी है? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स. अगर आप एग्स खाते हैं तो एग्स खाइए, नहीं तो नट्स एंड पीस खाइए. ये सब चीज़ें ज़रूर खाइए ताकि हेमोग्लोबिन की कमी ना हो, राइट. आयोडीन इज एसेंशियल फॉर कीपिंग द बॉडी हेल्दी. आयोडीन किस लिए ज़रूरी होता है? हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए. और बेटा आयोडीन सबसे ज़्यादा किस में होता है? नमक में. कभी आपने टीवी में ऐड भी देखा होगा, आयोडाइज सॉल्ट, उसमें लिखा होता है ना आयोडाइज सॉल्ट, मतलब उस सॉल्ट में आयोडीन है, राइट. तो आयोडाइज सॉल्ट जो है वो रिच होता है आयोडीन में. नमक में सबसे ज़्यादा आयोडीन पाया जाता है. फिश एंड सी फूड्स, इनमें भी आयोडीन बहुत ज़्यादा होता है. ओके, नेक्स्ट इज फाइबर. फाइबर आर ऑल्सो नोन एज रफेज. फाइबर का दूसरा नाम रफेज भी होता है. फाइबर हैज़ नो न्यूट्रिटिव वैल्यू. फाइबर की अपनी कोई न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं है. येट इज इट इज़ नीडेड बाई आर बॉडी एट एज इट परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शंस. इसीलिए इसकी इसको हमारी बॉडी की ज़रूरत कब होती है? जब जब वो अपने फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं तब तब इसकी ज़रूरत होती है. जैसे प्रिवेंट्स कॉन्स्टिपेशन. कॉन्स्टिपेशन मतलब बेटा कब्ज, जिसे कहते हैं. अगर आपको कब्ज भी समझ में नहीं आएगा तो मैं बताती हूँ. जैसे जब हम स्टूल पास करते हैं तो वो दो दिन तीन दिन लग जाते हैं, आप लोग फ्रेश नहीं हो पाते हो, राइट. तो उसको कहते हैं कॉन्स्टिपेशन. ओके, असिस्ट इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन. आपके डाइजेशन के प्रोसेस को असिस्ट करता है, मतलब वो हेल्प करता है उसको, ठीक है, ताकि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो ठीक रहे. तभी कहते हैं ना फाइबर रिच डाइट लेनी चाहिए, फाइबर लॉस नहीं करना चाहिए. जैसे ऑरेंजेस हैं, तो बेटा अगर आप जूसेस पीते हैं ऑरेंज के, तो जूस को अवॉइड करके जूस भी पियो. मैं मना नहीं कर रही हूँ, जूस भी पियो, बट ऑरेंजेस आप वैसे भी खाओ. क्योंकि जूस में क्या होता है बेटा, जो फाइबर होता है, जो छिलका होता है ना ऊपर का, वो तो निकल जाता है, सिर्फ उसका रस आता है, जूस आता है. तो अगर आप ऑरेंज ऐसे ही डायरेक्ट खाओगे तो उससे क्या होगा? फाइबर लॉस नहीं होगा, ठीक है. तो उससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छा रहेगा, आपकी बॉडी में फाइबर की डिफिशियंसी नहीं होगी. हेल्प्स टू गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड. और जितना भी आपका अनडाइजेस्टेड फूड होता है ना, अनडाइजेस्टेड खाना जो भी होता है, जो हमारा खाना पचता नहीं है, जो डाइजेस्ट नहीं हुआ होता है, उससे भी हमें रिड दिलाता, मतलब उससे भी हमें हेल्प करता है कि वो खाना जो है वो डाइजेस्ट हो जाए. काइंड्स ऑफ रफेज. रफेज के कितने काइंड्स होते हैं? रफेज इज प्रोवाइडेड बाय द प्लांट्स प्रोडक्ट्स इन आवर फूड्स. रफेज जो है वो
प्लांट प्रोडक्ट से हमारे फूड में प्रोवाइड किया जाता है. इट्स मेन सोर्सेज आर वेजिटेबल्स, कैरेट्स, कैबेज, फ्रूट्स में एप्पल्स, पीचेस, होल ग्रेन्स, व्हीट, राइस एट्सेट्रा, पल्सेस, बीन्स एट्सेट्रा, राइट. वाटर, वाटर तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना. सो डू यू थिंक यू कैन सर्वाइव विदाउट वाटर? डू यू थिंक? नो, नॉट एट ऑल, राइट. एम आई राइट? है ना, हम वाटर के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते हैं बच्चे. पानी के बिना कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकता है. एन एडल्ट इज अनेबल टू सर्वाइव फॉर मोर देन अ वीक विदाउट वाटर. सिर्फ एक हफ्ते से भी ज़्यादा कोई पानी के बिना नहीं जिंदा रह सकता, ठीक है. खाना अगर नहीं मिलेगा तो एक महीने तक शायद जिंदा रह सकता है, बट पानी अगर नहीं मिलेगा तो एक हफ्ते से ज़्यादा जिंदा वो नहीं रह सकता, बिकॉज वाटर इज एन एसेंशियल प्रोडक्ट फॉर आर बॉडी. एसेंशियल चीज़, बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है पानी हमारी बॉडी के लिए. वी गेट वाटर फ्रॉम द लिक्विड्स वी ड्रिंक. जितने भी लिक्विड्स हम पीते हैं उनसे हमें पानी मिलता है, जैसे वाटर, मिल्क, टी, जो भी हम पीते हैं. दूध में भी बेटा पानी की क्वांटिटी होती ही है, राइट. चाय भी बनती है तो उसमें भी पानी डलता है, और पानी तो पानी है ही, तो पानी हमें ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए, लेकिन वेस्ट नहीं करना चाहिए, ओके. इवन द फ्रूट्स एंड फ्रेश वेजिटेबल्स वी ईट कंटेन प्लेंटी ऑफ वाटर. यहाँ तक कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो हम फ्रेश खाते हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा पानी अंदर होता है. ऐसे नहीं पानी उसके अंदर डाला हुआ होता है, नहीं, जो उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसके अंदर वाटर की क्वांटिटी भी होती है. फंक्शंस ऑफ वाटर, वाटर क्या क्या फंक्शंस करता है हमारी बॉडी में, क्या क्या परफॉर्म करता है. वाटर परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शंस. इट हेल्प्स टू ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस विद इन द बॉडी. ये हमारी बॉडी के अंदर जो भी सब्सटेंसेस होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, इधर से उधर, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में पानी हेल्प करता है. इट हेल्प्स टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड. और ये क्या करता है, जो भी खाना हम खाते हैं, ठीक है, अब वो बॉडी हमारी कैसे एब्जॉर्ब करेगी वो न्यूट्रिएंट्स, पानी के थ्रू, ठीक है. पानी जो हमारी बॉडी में होता है या हम पानी जो पीते हैं उनसे हमारे, उनके संग वो न्यूट्रिएंट्स मिक्स होके ब्लड में फ्लो होते हैं पानी के साथ. पानी जो है उन्हें ब्लड में पहुँचाता है और वो हमारी पूरी बॉडी में फिर सर्कुलेट हो जाते हैं. इट हेल्प्स इन थ्रोइंग आउट वेस्ट सच एज यूरिन एंड स्वेट फ्रॉम द बॉडी. बेटा जितना हम पानी पीते हैं ना, तो हमारी जो बॉडी का वेस्ट है वो सारा यूरिन के थ्रू या हमारे बॉडी से जो स्वेट निकलता है उसके थ्रू ये पानी जो है वो निकालता है, निकाल देता है. जो हमारी बॉडी की जो खराब चीज़ें हैं, जो गंदी चीज़ें हैं, उनको ऐसे ये बाहर निकाल देता है, ओके. इट हेल्प्स टू मेंटेन द कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर. वाटर से हमारी बॉडी टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है, नॉर्मल रहता है, ठीक है. क्योंकि वाटर जब हम पानी पीते हैं तो हमारा बॉडी टेम्परेचर जो है वो ठंडा रहता है, कूल रहता है, और जब गर्मी होती है तो वो स्वेट के थ्रू जो है वो जितनी भी हीट है वो सारी बाहर निकल देती है, और हमारी बॉडी को का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल रहता है, वो कांस्टेंट रहता है. बैलेंस डाइट, एक बैलेंस डाइट क्या होती है बेटा. द फूड वी नॉर्मली कंज्यूम इन अ डे इज कॉल्ड आवर डाइट. जो हम खाना नॉर्मली अपने पूरे दिन में खाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, डाइट. वो हमारी क्या होती है, डाइट, ओके. अ डाइट कंटेनिंग ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन एडिक्वेट क्वांटिटी. उस डाइट में जो हम खाना खा रहे हैं, क्या उसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स, जो भी जितनी भी चीज़ें हमारी बॉडी की नीड है वो एडिक्वेट क्वांटिटी, एडिक्वेट क्वांटिटी मतलब बेटा जितनी हमें चाहिए उतनी मात्रा में वो है या नहीं है. अगर वो है तो वो एक बैलेंस डाइट होती है, ठीक है. बैलेंस का मतलब वो एक प्रॉपर अच्छी डाइट हम ले रहे हैं जिसमें हमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं हमारी बॉडी के लिए वो सब उसमें प्रेजेंट होते हैं. अ बैलेंस्ड दस प्रोवाइड द बॉडी विद ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स. अ बैलेंस डाइट क्या प्रोवाइड करती है हमारी बॉडी को, सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जितनी हमारी बॉडी को जितनी ज़रूरत है उतनी वो प्रोवाइड करती है. अगर हमारी बॉडी में फैट्स की ज़रूरत कम है, ठीक है, प्रोटीन्स की ज़रूरत ज़्यादा है या विटामिन मिनरल्स की ज़रूरत ज़्यादा है, तो वो एक डाइट ऐसी बनती है कि वो उतना ही हम खाते हैं उस चीज़ को जितनी हमारी बॉडी की नीड है. अगर हमारी बॉडी में फैट्स ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है और हम फिर भी फैट्स और ज़्यादा खाए जा रहे हैं तो उससे क्या होगा,
वो इम्बैलेंस हो जाएगी, है ना, गड़बड़ हो जाएगी वो डाइट में. ओके, एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द बॉडी फॉर इट्स ग्रोथ एंड मेंटेनेंस. और बैलेंस रिक्वायर्ड, बैलेंस डाइट हमें क्या प्रोवाइड करती है, एनर्जी प्रोवाइड करती है हमारी बॉडी को, उस हमारी बॉडी की ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए ताकत प्रोवाइड करती है. अ बैलेंस डाइट इज नॉट द सेम फॉर एवरीवन. और हर एक के लिए बेटा बैलेंस डाइट जो है वो एक जैसी नहीं होती है. किसी की बॉडी में किसी चीज़ की कमी होती है, किसी की बॉडी में किसी चीज़ की कमी होती है, किसी की बॉडी में फैट ज़्यादा होते हैं, किसी की बॉडी में प्रोटीन्स ज़्यादा होते हैं, राइट. तो ये एक हर एक बॉडी, बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है कि किसकी बॉडी में किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है. जैसे बच्चों को मैंने बताया आप लोगों को प्रोटीन्स की ज़्यादा ज़रूरत होती है, राइट. इट वेरीज विद एज, सेक्स एंड द टाइप ऑफ वर्क दैट वन डज. ये किसके ऊपर डिपेंड करता है बेटा, एज. जैसे मैंने बताया ग्रोइंग एज के बच्चों को प्रोटीन रिच डाइट लेनी चाहिए, और भी बहुत सारी चीज़ें लेनी चाहिए. ऐसा नहीं सिर्फ प्रोटीन्स खाते रहो बाकी चीज़ें अवॉइड कर दो, नहीं, सब कुछ खाना चाहिए, ठीक है. लेकिन एज जब बढ़ जाती है तो उसके हिसाब से फिर डाइट रेडी की जाती है. ओके, सेक्स अगर मेल है फीमेल है तो हर एक की डाइट अलग अलग डिपेंड करती है. ओके, एंड द टाइप ऑफ वर्क दैट वन डज. और काम, काम सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है बेटा. अगर किसी का जो फिजिकल वर्क है वो ज़्यादा है, ठीक है, तो उसे एनर्जी गिविंग कंपाउंड चाहिए ताकि उसको एनर्जी आ सके. किससे आएगी, फैट्स कार्बोहाइड्रेट्स, उसको एनर्जी गिविंग कंपाउंड्स ज़्यादा चाहिए, राइट. तो इस तरह से डिपेंड करता है काम पे, एज पे और सेक्स पे. अ यंग चाइल्ड नीड्स टू ईट मोर प्रोटीन रिच डाइट, ठीक है. एक यंग बच्चा, जो जवान बच्चे होते हैं, जो छोटे बच्चे जैसे आप जैसे, उनको क्या चाहिए होता है, प्रोटीन रिच डाइट चाहिए होती है. ओके, प्रेग्नेंट वुमेन ऑल्सो नीड मोर प्रोटीन्स. जो प्रेग्नेंट लेडीज होती है बेटा, उनको भी प्रोटीन्स ज़्यादा चाहिए होता है, क्योंकि उनका जो बेबी होता है उसकी ग्रोथ के लिए उनको प्रोटीन्स चाहिए होता है ज़्यादा. ओके, अ लेबरर डूइंग हार्ड वर्क नीड्स मोर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स. मैंने अभी आपको बताया जो लेबरर होते हैं, जैसे जिनका फिजिकल वर्क ज़्यादा होता है, उनको एनर्जी गिविंग कंपाउंड्स चाहिए होते हैं, जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स. अगर वो लोग उसका इनटेक ज़्यादा करेंगे तो उनको ताकत मिलेगी. डेफिशिएंसी डिजीजेज. डेफिशिएंसी क्या होता है बेटा, जैसे हम कोई भी चीज़, जो भी अभी न्यूट्रिएंट्स हमने डिस्कस किए हैं, अगर वो हम नहीं लेते हैं, किसी भी चीज़, किसी भी न्यूट्रिएंट्स के हमारे अंदर कमी हो जाती है, तो उस कमी से जो बीमारी हमें होती है उसे हम कहते हैं डेफिशिएंसी डिजीज. डिजीजेस विच अकर ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स. एक या एक से ज़्यादा एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, जो ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स हैं, उनकी कमी से जो बीमारी होती है सॉरी इन द डाइट आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीजेस. हमारी डाइट में एक या एक से ज़्यादा जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, अगर उनकी कमी हो जाती है तो उसे हम कहते हैं डेफिशिएंसी डिजीजेस. इवन एक्सेसिव इनटेक ऑफ फूड लेड्स टू हेल्थ प्रॉब्लम. इवन अगर हम ज़्यादा कोई भी एक चीज़ है उसे बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा खाते रहेंगे तो वो भी एक बीमारी बनती है. ओके, एंड इट इज़ कॉल्ड ओवर ईटिंग. और इसे क्या कहलाते हैं, ओवर ईटिंग. बहुत ज़्यादा किसी भी एक चीज़ को या दो चीज़ को बहुत ज़्यादा इनटेक करना, उसका बहुत ज़्यादा खाना. एंड इट लेड्स टू अ कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी. और ये क्या कहलाता है, ये किस चीज़ पे एंड होता है आके, ओबेसिटी पे. जो बहुत ज़्यादा मोटे लोग होते हैं ना बेटा, वो कहलाता है ओबेसिटी. ओके, तो ओवर ईटिंग नहीं करनी है, किसी भी चीज़ का एक्सेसिव इनटेक नहीं करना. बहुत ज़्यादा जितनी हमारी बॉडी को ज़रूरत है बस उतना ही खाओ, ठीक है. सब चीज़ खाओ बट लिमिट में, ठीक है. और ताकि सारी चीज़ें आप खाओगे, ये मत बोलो मम्मी मुझे स्पिनेक नहीं अच्छा लगता है, मैं नहीं खाऊंगी स्पिनेक या खाऊंगा, पालक मुझे नहीं खाना है ना, ऐसे बोलते हो ना आप लोग, ये वाली वेजिटेबल मुझे नहीं खानी है, ये वाला फ्रूट नहीं खाना है. लेकिन नहीं बेटा, ऐसे नहीं करना है, क्योंकि अगर आप जो नहीं खाएंगे उस चीज़ की आपकी बॉडी में कमी हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी, ठीक है. Deficiency of carbohydrates. Carbohydrates are the main source of energy. Its deficiency in the diet leads to carbohydrates जो है हमारी बहुत main source है energy का, और उसकी deficiency से क्या होता है, body weak हो जाती है. Obviously बेटा energy नहीं मिलेगी तो body में weakness आ जाएगी, loss of stamina, stamina कम हो जाता है, काम करने की क्षमता जिसे हम कहते हैं stamina, वो कम हो जाता है, जल्दी थक जाते हैं. The body thus gets tired quickly, और हम जल्दी थक जाते हैं. डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स. प्रोटीन्स आर बॉडी बिल्डिंग फूड्स,
इट्स डिफिशियंसी इन द डाइट लेड्स टू प्रोटीन्स. आपने अभी पढ़ा था कि वो बॉडी बिल्डिंग फूड्स होते हैं और उसकी डिफिशियंसी से क्या होता है, स्टंटेड ग्रोथ, ग्रोथ हमारी रुक जाती है, बढ़ती नहीं है जल्दी, स्वेलिंग ऑफ फेस, फेस में स्वेलिंग आने लगती है, डायरिया, डिसकलरेशन ऑफ हेयर, स्किन प्रॉब्लम्स एंड स्वेलन एब्डोमेन, एब्डोमेन भी जो है वो स्वेलन हो जाता है. तो ये बेटा बच्चों में ज़्यादा होती है प्रोटीन्स की डिफिशियंसी. इन चिल्ड्रेन डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन्स लेड टू सीवियर माल न्यूट्रिशन. बच्चों में अगर प्रोटीन की डिफिशियंसी हो जाती है तो वो बहुत ही सीवियर हो जाती है. और डिजीजेज़, दो तरह की ऐसी डिजीजेज होती है जो बच्चों को हो जाती है, एक होता है क्वाशियोरकर एंड दूसरी होती है मरासमस. क्वाशियोरकर इज़ अ डिजीज विच अकर्स ड्यू टू प्रोटीन डिफिशियंसी एंड मरासमस इज अ डिजीज विच अकर्स ड्यू टू प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट बोथ डिफिशियंसी. ओके, क्वाशियोरकर में क्या होता है बेटा, क्वाशियोरकर में आपका जो एब्डोमेन है, जो बच्चों का एब्डोमेन होता है ना, जो स्टमक होता है, वो स्वेल हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, बॉडी में भी स्वेलिंग आने लगती है. ठीक है, और आप जैसे इस पिक्चर में देख सकते हैं स्केली स्किन, स्किन पे से ना स्किन का डिसकलरेशन होने लगता है. ओके, तो ये सब क्वाशियोरकर के सिम्टम्स होते हैं. और मैरासिमस का क्या होता है, हेयर लॉस होने लगता है, ओल्ड पर्सन फेस, मतलब स्किन जो है ना, जो बच्चों का फेस है ना, वो ऐसे लगने लगता है जैसे बूढ़ों का फेस होता है, रिंकल्ड स्किन, आपकी स्किन बहुत सुकड़ जाती है, रिंकल हो जाती है, और सीवियर मसल वेस्ट है, बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है आपकी बॉडी. ओके, सो डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स, विटामिन्स की डेफिशिएंसी से क्या क्या होता है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस, बिकॉज विटामिन ए जो है वो हमारी आंखों को अच्छा रखता है, आईज को हेल्दी बनाता है. तो अगर विटामिन ए हमारी बॉडी में अच्छे से नहीं मिलेगा तो नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको रात को नज़र नहीं आता है उसे नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं. पुअर साइट विजन, विजन आपकी आँखें कमज़ोर हो जाती है, लॉस ऑफ नाइट विजन, काफ़ियों को रात में दिखना बिल्कुल ही बंद हो जाता है. विटामिन बी के भी बेटा कई टाइप्स होते हैं. विटामिन बी वन इज बेरी बेरी, नर्वसनेस, पैरालिसिस एंड वीक मसल्स. विटामिन बी थ्री पेलेग्रा, डिमेंशिया मतलब मेमोरी लॉस जिनको हो जाती है, डायरिया एंड डर्मेटाइटिस. विटामिन बी फाइव इज स्किन डिसऑर्डर, क्रैक्स अराउंड द माउथ एंड नर्वस ब्रेकडाउन. विटामिन बी ट्वेल्व की कमी से क्या होता है, पेरेनिशियस एनीमिया, मसल एंड नर्व पैरालिसिस, एक्सट्रीम फेटिक, फेटिक मतलब बेहोश, डिमेंशिया एंड डिप्रेशन. विटामिन सी से क्या होता है, स्कर्वी. विटामिन सी मैंने आपको बताया था ना, गम्स एंड टीथ को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करता है, उनको हेल्दी रखता है. तो उनसे क्या होता है, अगर विटामिन सी की कमी हो जाती है तो ब्लीडिंग गम्स, स्वेलिंग ऑफ जॉइंट्स, गम्स में से खून निकलने लगता है, राइट. विटामिन डी से क्या होता है बेटा, रिकेट्स. रिकेट्स ज़्यादातर बच्चों में होता है, बड़ों में भी विटामिन डी की डिफिशियंसी हो जाती है, बट रिकेट्स से क्या होता है, उनकी जो लेग्स होती है ना बेटा, जैसे लेग्स ऐसे आती है ना, तो वो ऐसे बेंड हो जाती है, बोन्स जो होती हैं, क्योंकि विटामिन डी से हमारी बोन्स जो है वो हेल्दी रहती है ना, तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी अगर बच्चों में हो जाती है तो रिकेट्स हो जाती है. रिकेट्स से जो हमारा नी वाला पोर्शन होता है ना, वो ऐसे बेंड हो जाता है. ओके, तो वीक बोन्स एंड डीकेइंग टीथ. विटामिन ई, हेमरेज, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इफेक्टेड. मिनरल्स की डिफिशियंसी से क्या होता है, कैल्शियम की डिफिशियंसी से ब्रिटल बोन्स, एक्सेसिव ब्लीडिंग एंड स्टंट ग्रोथ. कैल्शियम क्या करता है, ग्रोथ प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी को और बोन्स हेल्दी रखता है. सोडियम डिहाइड्रेशन एंड एक्सट्रीम बॉडी वीकनेस. फॉस्फोरस बैड बोन्स एंड टीथ एंड बॉडी वीकनेस. आयरन एनीमिया. आयोडीन गोइटर. गोइटर बेटा एक ऐसी प्रॉब्लम होती है जो यहाँ पे हो जाती है, नेक जो है ना वो स्वेलन हो जाता है. ओके, वो गोइटर होता है, वो आयोडीन की कमी से हो जाता है. फ्लोरिन डेंटल डीके एंड पोटेशियम मसल वीकनेस एंड पैरालिसिस. डेफिनेशंस, दीज आर सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस. न्यूट्रिएंट्स, द केमिकल सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन फूड विच प्रोवाइड्स एनर्जी टू द बॉडी दैट आर कॉल्ड एज न्यूट्रिएंट्स. ओके, डाइट. डाइट क्या होती है, जो हम डेली खाना खाते हैं वो हमारी एक डाइट होती है. द फूड वी नॉर्मली कंज्यूम इन अ डे. बैलेंस डाइट क्या होती है, जो सारे न्यूट्रिएंट्स जितनी हमारी बॉडी को चाहिए उतने प्रॉपर हम इनटेक कर रहे हैं, वो एक बैलेंस डाइट होती है. डाइट कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन एडिक्वेट क्वांटिटीज. डेफिशिएंसी डिजीजेस, किसी भी चीज़ की अगर हमारी बॉडी के अंदर कमी हो जाती है तो वो उसकी बीमारी हमें हो जाती है, उसकी डेफिशिएंसी की वजह से, कमी की वजह से. डिजीजेस विच अकर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स इन द डाइट दैट आर कॉल्ड एज डेफिशिएंसी डिजीजेस. फिल इन द ब्लैंक्स.
Seafood is a rich source of vitamin D. Deficiency of vitamin C causes scurvy. Night blindness is caused due to the deficiency of vitamin A. Goiter is called due to the deficiency of iodine. Caused. Answer is in one word. What provides energy faster, sugar or fats? Sugar या fats, दोनों में से energy सबसे ज़्यादा कौन जल्दी देता है? Sugar. Which vitamin is easily destroyed during cooking? Cooking में आसानी से कौन सा vitamin जो है वो destroy हो जाता है? वो है vitamin C. Which vitamin we get from sunlight? Vitamin D. Name one source of protein, that is fish. Okay बेटा, चलो अब आते हैं Unacademy subscription features जान लेते हैं. Unacademy subscription features में आपको घर से बैठ के आप लाइव पढ़ सकते हैं अपने कंफर्ट जोन में. कोविड टाइम है, बाहर नहीं निकलना है तो अपने कंफर्ट जोन में बैठ के आप पढ़ाई कर सकते हैं. अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द कोर्सेज. इंडिया के सारे ही टॉप एजुकेटर्स एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको मिलते हैं. रेगुलर डाउट क्लियरिंग एंड आंसर राइटिंग सेशंस, एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ सिलेबस, सारा सिलेबस उसमें कवर किया जाता है. मेंटरशिप एंड गाइडेंस प्रोवाइड किया जाता है. स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है. प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं. लाइव टेस्ट सीरीज होती हैं जिसमें आपको प्राइजेस भी मिलते हैं एंड बैच कोर्सेज भी बनते हैं. अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन प्राइजिंग क्या है बेटा? दीज आर फॉर 9th, 10th एंड 11th, 12th. अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ्स के जो भी प्राइजेस हैं, अगर आप मेरा कोड NB01 अप्लाई करते हैं तो आपको डायरेक्टली वो 10% डिस्काउंट पे मिल जाता है. अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन क्या है बेटा? प्लस के तो आपको सारे बेनिफिट्स मिलते ही हैं, उसके अलावा आपको आइकॉनिक में क्या मिलता है? पर्सनल मेंटर मिलता है आपको. पर्सनल एक टीचर प्रोवाइड किया जाता है. लाइव डाउट सॉल्विंग, ओके. वीकली रिपोर्ट्स आपकी होती है. आपके पेरेंट्स के संग कॉन्टैक्ट होता है, कनेक्शंस होता है. स्टडी प्लानर प्रोवाइड किया जाता है. और जितने भी सारे बेनिफिट्स हैं अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के, वो सब आपको प्रोवाइड होते हैं, मिलते हैं. इसकी प्राइसिंग क्या है? 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 12 मंथ्स, 15 मंथ्स, 18 मंथ्स का ये है. और अगर आप मेरा कोड NB01 अप्लाई करते हैं तो ये सीधे 10% डिस्काउंट हो जाता है. तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, क्योंकि अगर लाइक नहीं करेंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी वीडियो कितने बच्चों को अच्छी लगी. ओके, तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज में एंड सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे जितनी भी वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके. तो बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू. थैंक यू सो मच बच्चों. Bye. Take care. Bye.